जिसको हम पोलराइजर भी बोल रहे हैं, पोलराइजर शीट भी बोल रहे हैं। आप इसको क्या है, डिस्प्ले से जब हम कनेक्ट करेंगे मदरबोर्ड को, तो ये हमारा जो डिस्प्ले है वो वाइट आएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी ग्राफिक्स तो है नहीं। डिस्प्ले हमने कनेक्ट करे टेस्टिंग के लिए, तो वाइट डिस्प्ले आएगा। अब वाइट डिस्प्ले आएगा तो हमारे हाथ में जो ग्राफिक्स की पन्नी है या पोलराइजर फिल्म या पोलराइजर शीट बोलो, तो इसको हमें एंगल मिलाना है। इसका जो एंगल है इस तरीके से या फिर इस तरीके से एंगल मिलाना है और मैच करना है। मैच हो जाता है हमारा मतलब डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, तो हमको इसकी कटिंग करना है डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। कटिंग करने के बाद चलो फिर बताते हैं। अब हम हमारे हाथ में बता दिया था मैंने क्या है, ग्राफिक्स पन्नी, ग्राफिक्स की पन्नी। तो हमको क्या करना है, आधा इंच को बढ़ा के, जो आधा इंच को बढ़ा के हमको इसको सेट करना है डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। और इसको काटने के लिए हमेशा कैंची का यूज़ करें, सीजर का यूज़ करें, क्योंकि सब्जी का ब्लेड ब्लेड वगैरह जो है इसके अलावा दूसरे वस्तुओं का यूज़ ना करें। इससे क्या होगा कि कटिंग करने के टाइम पे आप परेशानी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो इसको आधा इंच बढ़ा के हम कट करते हैं। कट आधा इंच बढ़ा के इसलिए कर रहे हैं कि कल को हमको एडजस्टमेंट करना पड़े तो हम कर सकते हैं उसको एडजस्टमेंट। कटिंग की जो स्किल है वो अपने ऊपर है, मैं सीधा भी काट सकता हूँ लेकिन मैं अभी इस तरीके से काट रहा हूँ। ओसी शीट के अंदर में 3 लेयर होती है और ये फिल्म के अंदर में 2 लेयर होती है। और जब हम इस पर लगाएंगे, क्योंकि ये डेमो वर्जन है तो आपको डिस्प्ले तो दिखेगा नहीं, इस वाइट चालू है भैया, चालू कर। तो ये हमारा जो फिल्म है ये आता है तुम्हारा 2 लेयर का, और ये पोलराइजर शीट है, ये है पोलराइजर शीट, ये आती है 3 लेयर की। तो हमको लगाना है पहले फिल्म, जिसको हम ग्राफिक्स की पन्नी भी बोलते हैं। तो ये हम लगाने के टाइम पे क्या है कि अभी हमारा ये डेमो है, डिस्प्ले तो ऑन है नहीं, जिसकी वजह से हमको ग्राफिक्स दिखेगा भी नहीं। तो हम एक अंदाज़ा लेते हैं कि हमको इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो काट के रखे हैं, हम लगा लगा के, जब डिस्प्ले ऑन रहेगा तो हम इसको लगा लगा के देखेंगे कि ग्राफिक्स किधर सही बन रहा है। अगर अभी तो हमारे पास डिस्प्ले नहीं है, ये ख़राब वाला है, तो आपको सिखाने के लिए मैं डेमो बता रहा हूँ, ख़राब वाला डिस्प्ले है। तो इस तरीके से इसको लगाना है हमको। तो जो हमारा वेस्टेज पन्नी रहेंगी उसको हम हटा देंगे, जैसे कि ये देखिए, अब इसको मैंने पलटाया, उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है, जी सर। तो ये हमारे पास चालू वाला डिस्प्ले है और ये बंद वाला डिस्प्ले है। लेकिन बंद वाला डिस्प्ले अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इसके अंदर किस तरीके से करेंगे वो भी बता दूंगा, लेकिन चालू वाले अंदर क्या है, चालू वाले डिस्प्ले में उल्टा जो है, उल्टा अगर ऐसा सेट रहेगा तो आपको अलग ही दिखेगा ब्लू कलर का। और मैं सीधा इसको करता हूँ, अगर ये देखिए ये उल्टा है, क्योंकि इसके अंदर में ग्रीन ब्लू बहुत तरह के तिरंगे आपको कैमरे में भले नहीं दिख रही होंगी। आवाज आने के बाद प्लेट
तरह से, इस तरह से हमारी जो है लैमिनेट हो गई है, मतलब बबलिंग वबलिंग इसमें नहीं है, लेकिन ये हमारा डेमो वर्जन था इसलिए इस तरीके की कंडीशन है। अगर इसको फाइनल राउंड में हम लोग अच्छी वाली लगाते हैं तो ये जो बबलिंग दिख रही है ये भी नहीं आती, ठीक है। ये खाली डेमो वर्जन के लिए था और हम लोग अच्छे वाले वर्जन पे लाएंगे वीडियो नेक्स्ट, अभी के लिए इतने। अब इसके अंदर में ये जो हमारी जो बताया था आपको थ्री लेयर, ये जो थ्री लेयर है, ये थ्री लेयर उसी है, इसको हम लोग अभी चिपका के इसको फाइनल करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने निकाला और अब मैं ये गिलास लगा रहा हूँ, गिलास लगाने के बाद हमको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी चिपकाने के लिए। तो मैंने इसको मैंने लिया, ऐसे से करूँ तो कंपनी है ब्रांड ऐसे बरा। तो इस तरीके से हमने ये वाली स्टेप भी हमारे फाइनल कर ली है और फुल क्लीन करें, फाइनल है, फाइनल टचअप। उसके बाद ये उसी जो शीट जो थ्री लेयर वाली है, ये उसी की शीट जो थ्री लेयर वाली है, इसको हम इसको इंस्टॉल करने के बाद इसमें चिपकाएंगे। बने रहिए। तो हमने क्या करें, पहले क्लीन करने के बाद अपना अगला स्टेप ये रहेगा कि इसको हम मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे। मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के बाद इसका जो स्क्रीन का डिस्प्ले वाइट आएगा, वाइट आने के बाद ये हमारे हाथ में क्या दिख रहा है, ग्राफिक्स की पन्नी, जिसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं और पोलराइज शेड भी बोलते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ये क्लीन करने के बाद ये जो एंगल दिख रहा है आपको, तो ये हो गया है हमारा बबलिंग वबलिंग इसके अंदर दिख रही है, लेकिन वो दिखेंगी क्योंकि हम लोग एक डेमो वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो अभी इसको मैं काट रहा हूँ, चलो ये इसमें इसके अंदर में थ्री लेयर थी और मैंने इसको जब चिपकाया तो इसके अंदर जो लेयर चपक रही है वो हमारे चिपकाने के काम में आएंगी, अदरवाइज जितनी भी खराब लेयर है वो नहीं चपकेंगी, इसको हम फेंक देंगे। तो इसको मैंने इतना चिपका लिया और चिपकाने के बाद ये रोलर से इस तरीके से इसको बड़ी मोहब्बत से लगा दी है। ये थोड़ा सा बबलिंग है, थोड़ा सा बबलिंग है। अब इसको मैं यहाँ से ये फर्स्ट लेयर रहेंगी हमारी, इसको मैं अभी बच्चों को गलत गाइड करेंगे, ऐसे ऐसे तुम लगाओगे ये जो था हमारा ये डेमो था। ये देखो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा वीडियो बनाएंगे आपको। ये जानने बस ये जानने के लिए वीडियो थी कि इस तरीके से भी बनता है खराब और अच्छा वाला भी बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास वीडियो जो आती है वो फेक नहीं रहती। तो देखो ख़राब फोल्डर अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो ख़राब बनाते हैं, और प्रोसेस यही है, बस गलती ये हो गई कि यहाँ पे हमारा ये बबलिंग आ गई है। तो अच्छा वीडियो भी बना के रखेंगे, इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।